हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी, मसालेदार सब्ज़ी। तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। हम भिंडी को अच्छे से धुल लिए हैं और धुल के रख लिए हैं, अब इसको काटेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने भिंडी को बीच में से कट कर लिया है। एक भिंडी में दो टुकड़ा करके रख लिया है और यहाँ पे हमने मिर्चा रखा है। और ये सब्ज़ी हम बगैर लहसुन और प्याज का बनाएंगे, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे हमने इसका डंटीला हटा दिया है और भिंडी को काट के रख लिया है। और ये एक साइज का 3 ठो आलू है, जिसको हम बॉयल करके और रख लिए हैं, ठंडा हो गया है। अब इसका छिलका हटाएंगे। जब तक हम इसका छिलका हटा रहे हैं, तब तक हम कढ़ाई को चढ़ा दे रहे हैं गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड देखिए, हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है, तब तक हम आलू का छिलका हटा ले रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड। आप इसको तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम रिफाइंड में बनाएंगे। और एक और ख़ास चीज़ देखिए, ये हरी मिर्च देखिए। ऐसा मिर्च आपने देखा नहीं होगा, तो देख लीजिए। ये बहुत देखने में इतना छोटा छोटा है, लेकिन ये बहुत तीखा है। एक दो सब्ज़ी में डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत तीखा हो जाता है, लेकिन हम ज़्यादा रखे हैं क्योंकि हमको सब्ज़ी ज़्यादा तीखा बनाना है, इसीलिए। तो फ्रेंड देखिए, हमारा ये गर्म हो चुका है तेल। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे आपको बता रहे हैं। पहले हम आलू को भूनेंगे अच्छे से। एक दो मिनट, हल्का ज़्यादा नहीं, हल्का भूनेंगे, क्योंकि भून लेने से इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा सब्ज़ी का। तो फ्रेंड देखिए, हमारा आलू भून चुका है। अब इसको हम निकालेंगे। अब इसमें हम भिंडी को भूनेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो फिर देखिए, ये भून चुका है। अब इसको हम निकालेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ऐसे ही सारे हम निकाल लेंगे। देखिए, हम इसको एक थाली में निकाल के रख लिए हैं। अब तड़के में हम क्या क्या डालेंगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, ये है हींग। हींग सब्जी, दाल, सब चीज़ में डाला जाता है। इससे स्वाद भी बढ़ता है और पेट के लिए भी सही रहता है। तो हम इसमें हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे। तो फ्रेंड, ये है मसाला दानी। अब हम जीरा को 1 चम्मच डालेंगे, हींग, और ये
मिर्चा, इसको काटना नहीं है ऐसे ही है। तो फ्रेंड देखिए, मैं एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और ये गोल्डी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से अब देखिए यहाँ पे 3 आलू हम लिए हैं, तो क्या करेंगे, 2 आलू को हम कट कर लेंगे। ऐसे 4 टुकड़े में कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा 4 टुकड़ा हो चुका है। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम इसको भून लेंगे। और ये भिंडी को भी हम इसमें ऐड कर देंगे मिक्स करके, और इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और जो हम यहाँ पे 1 आलू बचाए थे, इसको हम मिक्स करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये हमारा मिक्स हो गया। तो फ्रेंड 1 मिनट ये हो चुका है, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक देंगे, ज़्यादा नहीं 2 मिनट। तो फ्रेंड देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, मुँह में पानी आ जा रहा है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारा सब्जी टेस्ट करके बताइएगा कैसा बना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब इसको हम ढक देंगे और आपको अभी टेस्ट कराएंगे। तो फ्रेंड हम सब्जी के साथ ये चटनी बनाएंगे और ये भी आपको टेस्ट कराएंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है, हम अब आपको टेस्ट कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो फ्रेंड अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं और अभी आपको हम टेस्ट कराएंगे। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की रेसिपी। देखिए सब्ज़ी कितनी टेस्टी, आप एक बार खा लेंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। ये रहा चटनी और ये रहा दाल। तो इसके साथ हम एक चीज़ भूल जा रहे हैं, ये रहा घी, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और अच्छा लगता है।
मज़ा आ जाएगा खा के। अब इसका स्वाद और भी टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड ये हमारी सब्ज़ी आपको कैसी लगी टेस्ट करके बताइएगा, चावल और ये दाल और ये चटनी। तो फ्रेंड लीजिए और टेस्ट करके बताइए, और ये चावल के साथ। दाल चावल लीजिए टेस्ट करिए, और ये चटनी और टेस्ट करके बताइएगा। तो प्लीज़ टेस्ट करके बताइए कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसे लगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।